हेलो दोस्तों, फिर से आप सबका स्वागत है टेक गुरु चैनल पर और मैं हूँ आपका टेक गुरु। दोस्तों, आज हम लोग इस टॉपिक पे बात करेंगे कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि दुबई में काम करना मतलब गुलामी है, बहुत मतलब कुछ तो अलग है, यहाँ पे बहुत काम करके लेते हैं, बहुत परेशानी होती है, आप पे जुल्म करते हैं और यहाँ की लाइफ अच्छी नहीं है। अगर किसी दोस्त को पूछा या आपके रिश्तेदार को पूछा कि मैं दुबई जाने वाला हूँ, तो वो आपको निगेटिव कर देता है। ठीक है, मैंने बहुत सारी जगह थे, मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है। जब मैं यहाँ पे आने वाला था तो बहुत सारे बंदे मुझे बोलते थे वहाँ पे मत जाओ, वहाँ पे बहुत मारते हैं, पीटते हैं और कुछ भी गलत सलूक आपके साथ करते हैं, कुछ भी काम करने को बोलते हैं, मगर रियल में ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। ये बहुत अच्छी कंट्री है। ठीक है, पहले भी वीडियोस में मैंने बताया है, अगर आप नए सब्सक्राइबर हो तो आपके जो भी क्वेश्चंस है तो आप मेरे पहले वाले वीडियोस देख लीजिए, आपके सारे क्वेश्चंस मुझे बिना पूछे आपके क्लियर हो जाएंगे। मैंने वहाँ पे सब डाल दिया है कि कैसे यहाँ पे क्या होता है क्या नहीं है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस डाला है कि मैं यहाँ पे कैसा आया, मुझे यहाँ पे जॉब कैसी मिल गई, ये सब मेरे एक्सपीरियंस मैंने उसमें डाल दिए हैं दोस्तों। ठीक है, तो आज हम ये टॉपिक पे बात करेंगे कि सच में यहाँ पे जुल्म होता है, मतलब यहाँ पे है ऐसा कुछ। तो इसका आंसर है नहीं है, नहीं है ऐसा कुछ नहीं है। जो भी आप न्यूज़ सुनते हो या कोई आपको बताता है कि ऐसा यहाँ पे होता है, जुल्म होता है आप पे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप मेरे मेरे फेस पे देख सकते हैं कि मेरे पे कितना जुल्म हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं होता है। आप लोअर कैटेगरी का जॉब करते हो, कौन सा भी जॉब करो, आप पे कोई जुल्म नहीं करता है। ठीक है, कहाँ काम कम ज़्यादा होता है, यहाँ पे काम को अहमियत है, काम बहुत होता है, काम को आपको जुल्म नहीं समझना है। ठीक है, मतलब उसके हिसाब से आपको पैसे भी मिल रहे हैं। कभी कभी यहाँ पे 8 घंटा काम होता है, कभी कभी 10-12 घंटा काम होता है, मगर उसका ओवर टाइम आपको मिलता है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ काम को अहमियत है। ठीक है, अगर आपके दिमाग में है कि दुबई जाने पर मैं गुलामों की तरह रह जाऊंगा, वहाँ पे मेरे पे बहुत जुल्म होंगे, वहाँ पे मतलब जेल में रहूँगा मैं, ऐसे आपकी अगर फीलिंग है तो आपकी ये फीलिंग गलत है। ठीक है, जब भी आप यहाँ पे आते हो, ठीक है, तो आपकी ड्यूटी टाइम होती है 8 घंटे से 10 घंटा, 10 घंटे, ठीक है, 8 या 10 आवर्स। तो उसके बाद तो आपकी लाइफ फ्री ही है ना। ठीक है, तो आपके दिमाग में क्या रहना चाहिए, काम सिर्फ 8 घंटा है, बाकी तो तुम्हारी खुद की लाइफ है, कहीं पे भी जाओ कुछ भी करो, आपको कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे मॉल्स है, घूमो, मूवी थिएटर्स है। अगर आपको बताता हूँ कि यहाँ पे हर हिंदी मूवी आती है जो इंडिया में रिलीज होती है, एक दिन पहले यहाँ पे रिलीज होती है। मतलब अगर फ्राइडे को अगर इंडिया में रिलीज हो रही है तो आप यहाँ पे थर्सडे में वो मूवी देख सकते हो। यहाँ पे सब मूवी मैंने पहले दिन देखी है, पहले मैं नहीं देखता था, मगर यहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं तो बाकी एंजॉय भी करना है, आपको घूमना है, सब तरफ जाना है। यहाँ पे बीचेस होते हैं बहुत सारे, आप वहाँ पे जाके तैर सकते हो। मतलब यहाँ पे जैसी लाइफ है ना, वहाँ वैसी लाइफ कहाँ पे भी नहीं है। और वहाँ अगर आप इंडिया में बैठ के अगर सोचते हो इस लाइफ के बारे में, तो आपको लोग बेवकूफ़ी बनाएंगे और निगेटिव ही बना देंगे, बोल देंगे कि वहाँ पे जाओगे तो गटार साफ करना, ये जो नाले साफ करने को बोल देंगे, वहाँ पे जाने पे आपको बहुत मारते हैं, पीटते हैं, वहाँ पे जाने पे आपको यहाँ के जो ऊँट होते हैं उसको चराने बोलते हैं, या कुछ भी है, कुछ भी जो भी दिमाग में आता है लोग ऐसे बोल देते। तो रियल में ऐसा कुछ नहीं होता है, बहुत अच्छी लाइफ है यहाँ पे, बहुत अच्छी, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो। मैंने पहले वीडियोज़ में बताया है एक्चुअली ये सब कुछ, मगर हाँ, तो चलो ये छोड़ गया, पॉइंट पे आते हैं कि अगर आपके दिमाग में आता है कि दुबई जाने पे मैं फंस जाऊंगा, काम ही काम होगा सिर्फ, तो ऐसा कुछ नहीं है। 8 घंटा समझ लो, सुबह 9 से 6 बजे तक आपका काम है, 9 से 5 बजे तक आपका काम, 5 के बाद तो आप फ्री हो, कहीं पे भी जा सकते हो, मॉल में घूमो, मूवी देखो, बीच है यहाँ पे बहुत सारे, वहाँ पे जाओ। ऐसी यहाँ पे एक भी जगह नहीं है जहाँ पे आप नहीं जा सकते हो दुबई में। वही तो एक इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे जहाँ पे ऐसी एक भी जगह नहीं है कि यहाँ पे कि वही लोग जा सकते हैं या कोई लिमिटेड है लोग वहाँ पे जा सकते हैं, ऐसा एक भी पार्ट यहाँ पे नहीं है। जहाँ पे लोकल लोग, यहाँ के अरबी लोग जा सकते हैं, वहाँ पे आप खुद भी जा सकते हो, ऐसा उन सभी यहाँ पे एरिया नहीं है जहाँ पे आप नहीं जा सकते हो। घूमो, मस्ती करो, एंजॉय करो, यहाँ पे अपनी लाइफ एंजॉय करो, जैसे आप यहाँ पे कमाने के लिए आए हो, तो एंजॉय भी इम्पोर्टेंट है।
सिर्फ काम काम करते रहोगे तो वो आपकी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारी बातें हैं यहाँ पे एंजॉय के लिए भी आप कर सकते हो। मतलब जैसे मैंने बोला कि घूमना है आपको, दोस्त बनाओ यहाँ पे, आपके मुल्क के बनाओ, दूसरे मुल्क के, दूसरे कंट्री के भी दोस्त यहाँ पे मिलेंगे आपको, बातें करो ढेर सारी, आपकी फीलिंग्स उनसे शेयर करो। ठीक है, आप अकेले नहीं पाओगे यहाँ पे। ठीक है, और इंटरनेट के ज़रिए तो घर पे आप बात भी कर सकते हो, ये तो तरीका बहुत अच्छा है। अभी एक क्लिक में आप घर पे बात कर सकते हो, ऐसा आपको लगेगा ही नहीं कि आप बहुत दूर हो। ठीक है, तो जो भी आपकी निगेटिव थिंकिंग है वो निकाल दीजिए, ये बहुत सिक्योर कंट्री है, बहुत मतलब जितने मैं परसेंट बोलूँगा, मतलब 1000 बोलूँगा वो भी कम लगते हैं। ठीक है, दुबई बहुत अच्छी कंट्री है। एक्चुअली ये दुबई सिटी होती है, यूएई कंट्री है। ठीक है, मगर 60% लोगों को पता ही नहीं है कि दुबई कंट्री है या सिटी है। ठीक है, तो बस वही कहना था। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते थे कि हम लोग सर बीच पे जा सकते हैं, हम होटल में जा सकते हैं, या हम पब में जा सकते हैं यहाँ पे। तो हाँ, इसका आंसर यस है, आप यहाँ पे कहीं पे भी जा सकते हो, आपके काम के टाइम आपको काम है, बाकी आप कहीं पे भी जा सकते हो। अगर आप बीमार हो तो आपको उसकी भी छुट्टी मिलती है। ठीक है, आपको का ऐसा नहीं है कि आप बीमार हो गए तो भी आपको काम करना है, नहीं, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे। बीमार हो तो आपको छुट्टी मिलती है, और आप बहुत मतलब अच्छा है, सब सब तरीके से अच्छा है। आपकी भी यहाँ पे आपकी यहाँ की पूरी जिम्मेदारी कंपनी की होती है, तो आपके सेहत का भी वो लोग ख्याल रखते हैं। आपको अगर पैसे की ज़रूरत है तो वो लोग एडवांस भी देते हैं आपको, अगर चाहिए होगा। कभी कभी इमरजेंसी होती है हमारे मुल्क में, हमें पैसे भेजने पड़ते हैं, तो आप कंपनी से सैलरी एडवांस ले सकते हो। मतलब पूरी जो निगेटिव बातें जो हम लोग सोचते हैं ना, वो बातें यहाँ पे नहीं होती है दोस्तों। ठीक है, तो आपको निगेटिव नहीं होना है, बहुत अच्छी कंट्री है, आपका ख्याल भी रखती है, मतलब आप यहाँ पर बहुत सिक्योर हो। ठीक है, सिक्योर भी हो और फाइनेंशियली भी अच्छी कंडीशन हो सकती है। अगर आपकी अच्छी कंडीशन नहीं है तो यहाँ आकर आप आपका घर पूरा संभाल सकते हो। आप अकेले अगर काम करते हो तो भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। अगर आपने आपके 5 भाई हैं और आप अकेले यहाँ के काम करते हो तो भी आप घर संभाल सकते हो पूरा। मतलब बहुत लोगों की प्रॉब्लम्स होती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती है, तो दुबई बहुत अच्छी सिटी है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन सुधार सकती है। ठीक है, और एक बात है कि आप अगर नए वीडियो देख रहे हो तो आपको किसी एजेंट के पास नहीं जाना है दोस्तों, आपको खुद ट्राई करना है, आपको खुद जॉब मिल जाएगी। ठीक है, मेरे पहले से आखिर तक सब वीडियोस पार्ट बाय पार्ट देख लीजिए, आपको बहुत अच्छा गाइडेंस मिल जाएगा इसके ऊपर। किसी एजेंट के पास आपको नहीं जाना है, किसी एजेंट को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, दुबई जॉब के लिए एक पैसा देने की ज़रूरत नहीं होती है दोस्तों। ठीक है, तो यही बातें आपसे करनी थी, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और एक मुझे वीडियो बनाना है कि ईमेल कैसे लिखना है, ईमेल के सब्जेक्ट लाइन में क्या लिखना है, और उसके कंटेंट में क्या लिखना है, सीवी जब आप कंपनी को भेजते हो तो उस टाइम, वो वीडियो मैं आज या कल बना दूंगा। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, अगर आपके दोस्त का कोई दुबई में ट्राई कर रहा है तो उसके साथ भी ये शेयर करना, उसको भी हेल्प हो जाएगी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, बाय बाय।